देखो अभी हम देखने जा रहे हैं हाउ विल यू शो दैट द क्लोरोफिल इज नेसेसरी फॉर फोटोसिंथेसिस। इससे पहले हमने एक एक्टिविटी पढ़ी थी, उसमें देखा था हमने सनलाइट इज नेसेसरी फॉर फोटोसिंथेसिस। इस बार हम देख रहे हैं क्लोरोफिल इज नेसेसरी फॉर फोटोसिंथेसिस। तो हमें इस बार क्या करना है, पॉटेड प्लांट लेना है, ठीक है। उसमें क्या होगा, एटलीस्ट वन लीफ कैसा है, वेराइजेटेड है, ये वेराइजेटेड लीफ है। अब इसमें हमारी मर्जी हम कैसे मार्क कर दें, ये जो अंदर वाला पार्ट है इसे मैं ग्रीन मार्क कर देता हूँ, ये अंदर वाला पार्ट कैसा, ग्रीन, और ये जो बाहर वाला पार्ट है, ये बाहर वाला पार्ट क्या, वाइट, ठीक है। तो हमारे पास लीफ कैसा है, अंदर वाला पार्ट ग्रीन है और बाहर वाला पार्ट क्या, वाइट है। अब हमने इस प्लांट को क्या किया, कुछ दिन के लिए, कितने दिन के लिए, 2-3 डेज के लिए हमने इसे डार्क रूम में रख दिया। प्लेस इट इन अ डार्क रूम फॉर अबाउट 2-3 डेज, ठीक है। देखो टेक अ पॉटेड प्लांट हैविंग एटलीस्ट वन वेराइजेटेड लीफ, ग्रीन पार्ट ऑफ द लीफ कंटेन्स क्लोरोफिल एंड नॉन ग्रीन पार्ट डज नॉट, ठीक है। डार्क रूम में रख दिया, रीजन क्या है, डी स्टार्च करने के लिए इसे। अब इसे ब्राइट सनशाइन में ले आए 2-3 घंटे के लिए, क्यों, फोटोसिंथेसिस को अलाउ किया हमने। उसके बाद क्या, हमने लीफ को प्लग किया एंड वॉश इट विद अल्कोहल इन वाटर बाथ। वाटर बाथ तुम्हें पता ही है, ये एक हमने कोई कंटेनर ले लिया, ठीक है। इस कंटेनर के नीचे हमने कोई सोर्स ऑफ फायर रख लिया जिससे आग जलाई है, ठीक है। आग जलाई तो हमने इसे गर्म किया, पानी को, इसके अंदर क्या पड़ा होगा, पानी, वाटर। इसके अंदर हमने एक और कंटेनर लिया, इसके अंदर क्या है, अल्कोहल, और ये लीफ है, कैसा है, वेराइटेड लीफ, इसके अंदर अल्कोहल है, इसे हम वाटर बाथ कहते हैं। क्यों वाटर बाथ में वॉश कर रहे हैं, जिससे कि अल्कोहल क्या कर दे, क्लोरोफिल को रिमूव कर दे, टू रिमूव क्लोरोफिल अल्कोहल इज यूज्ड। और वाटर बाथ क्यों यूज हो रहा है, बिकॉज अल्कोहल इज हाईली इनफ्लेमेबल, जिससे आग ना लगे, ठीक है। उसके बाद हम क्या करेंगे, इस लीफ को वॉश कर लेंगे वाटर से, वॉश द लीफ विद वाटर, क्यों, टू रिमूव ट्रेसेस ऑफ अल्कोहल, थोड़ा बहुत जो अल्कोहल चिपक जाता है उसे हटाने के लिए। अब हमने क्या किया, ये जो लीफ था हमारा, ठीक है, इसके ऊपर हमने क्या डाल दिया, आयोडीन सॉल्यूशन डाल दिया। क्या डाला हमने इसमें, आयोडीन सॉल्यूशन, ठीक है। तो पुट सम आयोडीन सॉल्यूशन ऑन द लीफ। अब सोचो क्या होगा, ये वाला पार्ट कैसा था हमारे पास प्रीवियसली, पहले क्या था, ग्रीन कलर था, तो इसका कलर कैसा आ जाएगा, ब्लू ब्लैक, क्यों, क्योंकि ग्रीन कलर्ड पिगमेंट में फोटोसिंथेसिस तो होगा, तो ये हो जाएगा ब्लू ब्लैक। और बाहर वाला पार्ट क्या रहेगा, वैसा ही रहेगा, उसमें कोई चेंज नहीं आएगा। क्यों नहीं आएगा, क्योंकि वाइट कलर का था वो, उसके अंदर क्या नहीं था, क्लोरोफिल नहीं था, क्लोरोफिल नहीं था तो इस वजह से फोटोसिंथेसिस नहीं हुआ होगा, ठीक है। और ये हम प्रैक्टिकली देखेंगे कि इस वाला, ये वाला पार्ट क्या हो जाएगा, ब्लू ब्लैक हो जाएगा और बाहर वाला रिमेन्स अनचेंज्ड, क्लियर।